यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मैडम, जिस तरह से अगर देखें तो रणदीप सुरजेवाला को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, क्या ये लगता है आपको कि कोई ना कोई तो ऐसी वजह रही होगी, कोई ना कोई गुटबाजी की भी वजह रही होगी कि आज रणदीप सुरजेवाला ही आपके पास कैंडिडेट बचे थे, वरना गुटबाजी खुलकर भी सामने फिर से आ सकती थी? यही वजह है कि रणदीप सुरजेवाला को उतारा गया है जिनके उपचुनाव में? देखिए, ऐसा नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी का हाल देखा, उन्होंने तो जो विधायक जिनकी डेथ हुई कुछ ही दिन हुए थे और उनके बेटे को अपनी पार्टी में मिलाने का काम किया। हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी हाईकमांड का फैसला है जो कि सभी को मान्य होता है। आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी यहाँ से उपचुनाव के हमारे कैंडिडेट है और हम लोग सब मिलकर हमारा यही प्रयास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है मिलकर ये जीत का जो है चुनाव थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम लोग यहाँ से जीतने वाले हैं। लेकिन गीता जी, सबसे ज्यादा जो चौंकाया है वो आपकी पार्टी ने ही चौंकाया है। किसी के मन में ये बात नहीं थी कि रणदीप सुरजेवाला जो कैथल से विधायक है वो जींद उपचुनाव में उतर जाएंगे और यहाँ से चुनौती पेश करेंगे। ऐसा क्या हो गया था? कोई कैंडिडेट आपके पास नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसको लेकर आप आश्वस्त हो? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा नाम है, उसको लेकर भी आप जीत सकते थे। देखिए, कांग्रेस का जो राज पहले 10 साल रहा, हमने पूरे विकास के कार्य करवाए, सब काम करवाए हैं और जिस मैनिफेस्टो या एजेंडा के साथ कांग्रेस चलती रही, काम हमेशा करवाती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद सभी का हाल आपने देखा होगा क्या हुआ। यहाँ तक कैंडिडेट की बात है, वो सभी की सलाह के बाद हुआ है। और ये चुनाव जो है, आप देखिए, जब मेयर के 5 चुनाव हुए थे, सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने इधर उधर से कैंडिडेट लेके चुनाव जीता। हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट बहुत से कैंडिडेट हमारे थे और आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी को सभी जो भी पार्टी के हमारे सभी साथी हैं और आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने ही अपनी मोहर लगा के उनको कैंडिडेट यहाँ पे बनाया। मुद्दा ये नहीं है कांग्रेस के हमारे सशक्त कैंडिडेट है, मुद्दा ये है कि हम लोग जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा, जो शांति भाईचारे का एजेंडा, जो किसानों के हित में लेकर एजेंडा, रोजगार देने का एजेंडा, हम उस पर जो है हमारा ये बिल्कुल मैडम, आपके मुद्दे अच्छे भी हैं और होने भी चाहिए और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत आपको करनी चाहिए। लेकिन सवाल अब भी मन में है, अशोक तंवर क्यों नहीं, भूपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं, बाकी जो कैंडिडेट क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, रणदीप सुरजेवाला ही क्यों? अब भी ये सवाल लगातार बकरा, ये आम जनता भी पूछ रही है मैडम। देखिए, ऐसा है, पार्टी हाईकमांड का फैसला सर्वमान्य है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, आज नामांकन भर जाएगा और जब वोट पड़ेंगे तो एक एक वोट जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ेगा और ये सीट जो है कांग्रेस जीतने जा रही है। तो गीता भुक्कल जी, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे, हम पूछ रहे हैं सबसे बड़ी चुनौती क्या दिग्विजय चौटाला है, इनेलो के प्रत्याशी से है, बीजेपी के प्रत्याशी से है, किससे है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हाल पूरे देश भर में और खासतौर से प्रदेश में हो रहा है, किसी को कोई भारतीय जनता पार्टी की तो मौजूदा सरकार से उम्मीद नहीं है। मैनिफेस्टो के हिसाब से इन्होंने कोई काम किया नहीं है और इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी जो है वो अलग अलग नई नई पार्टियां वो आपस में उलझ कर रह गई हैं, उनका कोई नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल साफ और स्पष्ट ये बात है कि आज की डेट में अगर कोई विकल्प के रूप में देख रहा है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर। ठीक है, आपके हौसले बुलंद है क्योंकि 3 राज्यों में आपने जो बीजेपी पार्टी है उसको सत्ता से बाहर किया है, लेकिन प्रदेश में आप कैसे कह सकते हैं? नगर निगम चुनाव में आपने देखा 5 मेयर जीते, प्रधानमंत्री तक से मुलाकात करवाई जाती है। नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा, पहले भी नहीं लड़ते थे और इस बार भी नहीं लड़ा, तो ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपना जब चुनाव लड़ा ही नहीं, केवल और केवल बीजेपी पार्टी ने ही सिंबल पर लड़ा था और वही लोग आए हैं मैदान में और पूरी की पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री और दुनिया जहां जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव और वीवीपैट और मशीनों पे भी प्रश्न चिन्ह है कि क्यों वीवीपैट जो है उसका इस्तेमाल वहां पर नहीं किया गया। तो अब समय केवल ये है कि विधानसभा का चुनाव है, बाय इलेक्शन है और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जहां पूरी तरह से एक मात मिलेगी और कांग्रेस पार्टी जो है यहां से विजयी होकर निकलेगी। एक अंतिम सवाल आपसे, कांग्रेस का गढ़ भी रहा है जींद, लेकिन आज तक सभी को मालूम है कि जींद का विकास जिस तरह से हो रहा था उस तरह से नहीं हो पाया, इनेलो का भी गढ़ अब रहा है, तो क्या लगता है कि आपको क्यों मौका देगी जींद की कांग्रेस? कांग्रेस के समय में जींद में चाहे वो रीजनल सेंटर, चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाना, चाहे बाईपास कॉलेजेस, आईटीआई, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल आप देखेंगे तो जींद में बहुत ज्यादा कांग्रेस राज में जो है पैसा लगा है। यहाँ से तो आप देखिए मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी हैं और ज्यादातर विधायक भी इनके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर विकास का बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। जो हमारे समय के
प्रोजेक्ट्स पे जो चल रहे थे केवल और केवल उन्हीं को आगे बढ़ाने का नहीं बल्कि बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। तो आज सबको समझ में आ गया अगर कोई विकास और सबसे बड़ी बात अमन चैन शांति और भाईचारा जो कि इस प्रदेश में कभी खराब नहीं हुआ, जो इस सरकार के आने के बाद बार 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 खराब हुआ है, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, आम जनमानस की भलाई के फैसलों को आगे लेकर बढ़ेगी। और आने वाला लोकसभा का चुनाव भी सामने है, जनता दिखा देगी कि किस प्रकार से जनता जो है। गीता भुक्कल भी जा रही है रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में प्रचार करने के लिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और हम लोग आज नामांकन पर भी जा रहे हैं और आगे भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी के वो हमारे कैंडिडेट हैं, तो हम लोग बिल्कुल वहां पर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका प्रत्याशी जीते। हमारी ओर से